दोस्तों पानीपत में तीन भाग्य निर्णायक लड़ाइयां हुई थी जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी थी। वर्तमान में पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी और दोस्तों यह लड़ाई काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना 12,000 से 25,000 तक करीब थी और दोस्तों 20 मैदानी तोपें भी थी। और दोस्तों दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना 1,30,000 के करीब थी जिसमें शिविर अनुयायी भी थे। और दोस्तों जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या 1,00,000 से 1,10,000 के करीब थी। और दोस्तों इसमें कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी भाग लिया था। रण विद्या, सेना संचालन की श्रेष्ठता और विशेषकर तोपों के नए और के प्रभावशाली प्रयोग के कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई के फल स्वरूप में दोस्तों बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी।